आप बोलो कहाँ जाने का अपने को। अभी ब्रो हमें कुछ भी पता नहीं है क्योंकि कुछ भी कंटेंट हमने डिसाइड नहीं किया, आज डालेंगे क्या और बनाएंगे क्या। अगर कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा इतना भरोसा रखिए। यो is going on, welcome back to yet another video. How are you doing guys? Okay, so guys, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और उसके बाद में सब्सक्राइब करना है अली मुस्तफा को। So guys, आज हम जाके चेकआउट करने वाले हैं एक म्यूजिक शॉप जहाँ पे अब मेरे को तो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है म्यूजिक का, जहाँ तक बात है म्यूजिक की तो वहाँ पे जो है मास्टर है यहाँ पे मयूर भाई हमारे, तो हम लोग जाके मयूर भाई एक्चुअली वो म्यूजिक पैलेस है जहाँ हम जाने वाले हैं और ये है गाड़ी स्लो चलो खाली ना बताएंगे हम लोग, हम बताएंगे आपको कहाँ है वो। ओके सो गाइस अभी हम हैं यहाँ पर, ये जगह का नाम है म्यूजी म्यूजिकल एंड वी आर हियर टू चेक आउट सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी हैव हियर। तबला भी है यहाँ पे नीचे करके हो। ओके फॉर हाउ मच दिस इज फॉर 11 लाख 43,575। सपनों का ये अरे वो डाल लेंगे बस शूटिंग ओ भाई इधर इधर जो स्टेज में इंटरमीडिएट और प्रोस स्टेज
ओके तो इसमें इसमें ये है एडवांटेज ये आके पिकअप है जब आप लाइव शो करते हैं ना जब एग्जैक्टली ये पिकअप काम आता है ओके ओके आई गेट इट आई गेट इट नेक्स्ट आके आपको इलेक्ट्रिक गिटार है इलेक्ट्रिक गिटार्स देखेंगे मेरे भाई आ जाओ ये पूरा लीड है जो रॉक बैंड वहाँ यूज करते हैं ओके तो ये इलेक्ट्रिक गिटार्स का क्या स्टार्टिंग प्राइस क्या है लोग स्टार्टिंग आके 12,000 से स्टार्टिंग है फेंडर करके ब्रांडेड कंपनी है आपको गूगल में रिव्यूज पूरा मिल जाएगा फेंडर के बारे में वो 12,000 से स्टार्ट रहता है एंड मैक्स रेंज मैक्स आपको 4-5 लाख तक भी है और फिर यहाँ पर हमारे पास स्पीकर्स है ये पूरे है अटैचमेंट्स एम्प्स एम्प्स है ये आपको ये इलेक्ट्रिक गिटार सेमी अकोस्टिक गिटार को ये काम को आता है ओके ओके बेस गिटार वाला माल ना हां बेस गिटार का और ये ड्रम्स है ये इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रम्स है ओके और उसके ऊपर वो सेम स्पीकर है ओके सेम नीचे वाला है हां ओके तो यहां पर जो हमारे पास कीबोर्ड्स हैं और ये कीबोर्ड्स का मतलब बेसिक बिगिनर प्राइस क्या है बेसिकली इसका 6900 7500 से स्टार्ट होता है ओके कैशो में दिस इज अ बेसिक वन ओके सीटीएस 100 द लेटेस्ट वन ओके 2020 वर्जन इसका प्रीवियस ईयर मॉडल तो ये सीटी के भी ओल्ड मॉडल्स है लेकिन यूजर फ्रेंडली है मॉडल्स और उसके बाद में मतलब अपने को स्टार्टिंग पर 7000 से स्टार्ट हो गए काम 7000 आर 7000 रेंज में सर ये बिगिनर्स के लिए है ये वाला यस फिर ये टुडे स्टैंडर्ड ये अपर मॉडल्स है ओके अपर मॉडल्स अपर मॉडल फॉर एग्जामिनेशन लेवल्स के लिए जो लोग एग्जामिनेशन भी देते हैं ना एग्जामिनेशन पर्पस और स्टेज परफॉर्मेंसेस के लिए भी चलता है ओके ओके इन लोगों का प्राइस क्या रहता इसका 19,000 है इसका 23,500 23,500 19,000 इसका वर्क स्टेशन है ओके ये प्रो लेवल मॉडल्स ये 1,55,400 बॉर्ड का PA900 प्रोफेशनल बोर्ड्स है ओके ये रोलैंड का जैसे कि ये सिमिलर लेवल ओके तो इस मतलब ये जो है प्रो लेवल मतलब मैक्स मैक्स लेवल और ये स्पीकर्स भी लोगों के साथ उसमें भी है अच्छा वो वालों में नहीं है नहीं वो उसमें भी है छोटे छोटे 2 वाट स्पीकर रहता है 15 वाट स्पीकर रहता है गाइस अभी हम हैं ये ड्रम सेक्शन में और भैया ड्रम्स का प्राइस क्या है ये रेंज अभी 41,000 से चालू हो रहा है और ये मैक्स कहां तक जा रहा मैक्स 7.5 लाख सो ये मैपेक्स का है मैपेक्स में ये टोर्नेडो है ओके अगर मैपेक्स में ही हायर लेवल का किट चाहिए होगा देन अगर हायर अब देखो ये एक जो हम लोग देखे अभी थोड़ी देर पहले ये वो कौन सा था ब्रास का था ना वो सिंबल था हाँ ब्रास का सिंबल ब्रास का था ना वो तो उसमें अब इसमें ऐसा हमारे तो नॉर्मल आवाज आ रही है अगर उसमें ऐसा हमारे तो पूरा सा हिल रहा था गड़गड़ हर मतलब क्वालिटी का डिफरेंस रहता हर जगह वो जो हम लोग देखे थे उसकी क्वालिटी अलग थी इसकी क्वालिटी अलग है वेरी लाउड परेशान हो गया मेरी ये क्या हो गया एक सेकंड में बल्कि ये ले गए भैया रखिए आप अंदर अभी हम लोग देखने वाले हैं वायलेंस सेक्शन और वहाँ पे हम जाके चेकआउट करेंगे वायलेंस क्या टाइप के फिलहाल यहाँ पर भी और कीबोर्ड्स दिख रहे हैं मेरे को पीछे अपने डिजिटल पियानोस ओके कीबोर्ड्स क्या सॉरी गलत बात पियानोस सो दीज कॉस्ट अराउंड 69,955 विच ऑल्सो मीन 70,000 ₹5 बचा के को क्या करने वाला है इट लुक्स गुड एज वेल यहाँ पर यहाँ पीछे डिजिटल पियानोस तो अभी हम आए वायलिन सेक्शन में और हम वायलिन सेक्शन में देखने वाले हैं हमारे पास किस तरीके के वायलिन्स अवेलेबल है और ये किस तरीके से काम करते हैं फर्स्ट हमारे पास दो वायलिन्स है वो वायलिन्स के बारे में अपन बात करेंगे और मयूर भाई शूट करेंगे एक छोटी चीज जो आप लोग को बोलने का था कि यहाँ पर हमारे जो है एक्सेसरीज भी बहुत सारे मिलते हैं जो राइट नाउ अभी पीछे है ये जो है एक्सेसरीज आपको गिटार के साथ मिलते हैं अगर आप गिटार परचेज करें तो आपको ये भी चीज़ें लेना ज़रूरी रहता एंड ऑल्सो वी हैव सम काइंड ऑफ ऑयल्स हियर जो गिटार के ऊपर यूज करते हैं मोस्ट प्रोबेबली तो अभी हम देखने वाले हैं कुछ वाला ये वाला वो वाला पहले स्कोर वायलिन स्कोर वायलिन
तो वायलेंस में क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में? लगा ये बिगिनर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए, कंप्लीट बिगिनर्स के लिए। ये तो लैमिनेटेड बॉडी है कंप्लीटली, ये सॉलिड वुड पीस है। दोनों में प्राइस वाइज देखे तो 3,800-5,000 के रेंज में है दोनों। अभी बिगिनर एंट्री लेवल बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। ओके, इसमें सबसे सस्ता कौन सा है? 3,800 दिस वन। ये सॉलिड वुड पीस द नेक्स्ट मॉडल। ओके, इसको ऐसा रखते हैं इसको यहां पे। भैया क्या बात है, बस जा रही नहीं कान के बाजू से बस ट्रेन। ओके, ये है। और उसके बाद में अपने को नेक्स्ट मॉडल कौन सा है? नेक्स्ट अपने टैटू ब्रांड है। ओके, वो मिड रेंज है। यस, मिड रेंज और प्रेज नहीं, वो भी है बेसिक मॉडल की है लेकिन I love the part where we do this, okay, and they lock themselves. Crazy है वो part. ये नहीं देखे नहीं अपन, ये देख। हाँ, वाला। फिर मेरे भाई, फिर एक बार यहाँ पे focus करो थोड़ा इसके ऊपर कि यहाँ से हम इसको ऐसा निकाले। Oh my God, क्या detail में निकाला। Crazy है। हाँ भाई, तो इसका क्या है अपने को ये? Complete silent violin है। Cut this. For practice purpose and performance के लिए। And ये सही में focal है यहाँ से। इट्स हॉलो, फोकल हॉलो। और ये जो है परफॉर्मेंस के लिए है, स्टेज परफॉर्मेंस पे। अगर आप स्टेज पे जाके परफॉर्म कर रहे हैं मेरे जैसा, एक्चुअली ये प्रो लेवल है। यस, नेक्स्ट लेवल। ये प्रो लेवल है, मतलब आप सोच सकते हैं कि अब ये क्या चीज है। और ये स्टैक का है, स्टैक ब्रांड। एंड दिस विल कॉस्ट देम अराउंड हाउ मच? स्टार्ट फ्रॉम 25,000। दिस इज राहुल भाई, आई एम सॉरी, आई डिडंट एक्चुअली इंट्रोड्यूस हिम। नाउ यू सी राहुल भाई हियर। Rahul bhai, he is a pro in playing everything. No. Out here. I'm just kidding. Okay. टांग खींच रहे हैं। टांग खींच रहे हैं। फिर ये हम लोग देखेंगे, मतलब मेरे को बजाने तो आता नहीं, obviously मैं सिर्फ acting कर रहा था। But this will cost you around 25,000, which is actually a genuine price, I think so. For this beast, huh? Exactly. It looks insane, guys. Just have a look like this. यहाँ से देखो ऐसा इसको। And the footage is it's going crazy. It's going crazy. We'll put this back here with the spotlight on it. जरा लाओ मेरे में करीब में। We'll do it cinematic way. So guys, here we have Beast Tenor का upright piano, which will cost you around, right here you can see it, 2,27,800. 2,200 रुपए बच्चा के इंसान करेंगे अभी क्या? ये दाल के ऑटो में लेके गए तो हो जाए, तो 600 रुपए कहीं भी लेके जा रहे हैं दोस्तों, तो वो 2,000 छोड़ दो, 5,30,000 का पकड़ो ये। और यहाँ पर जो है हम आपको पियानो नहीं, वो जाने नहीं आता, मगर फिर भी यहाँ पर जो है बुक रख सकते हैं आप पियानो के अंदर। दिस इज हाउ यू कैन डू इट। यहाँ पर बुक रखो और बुक में से नोट्स देख के प्रॉपर तरीके से आपका पियानो यूज करो। और दैट्स इट, इसको ये पकड़ो और ओहो इंसेन, ये वापस बंद कर दे रहे हैं हम एंड फिनिश। ये 5,00,000 का है, तो आप सोचो क्या वैल्यू देता हूँगा ये इंसान को। अब जिसको ज़्यादा म्यूजिक के बारे में मालूम है, ऑफकोर्स वो लोग कमेंट करने वाले कि मैन यू आर ट्राइंग टू मेक फन, बट आई एम एक्चुअली जस्ट रिव्यूइंग इट, आई डोंट नो मच अबाउट म्यूजिक। द मैन हु नोज अबाउट म्यूजिक इज बिहाइंड द कैमरा, सो यू कैन ऑल्सो चेक आउट हिज रिव्यू, इट विल बी लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन। और आई डू समथिंग, आई फीचर अ चैनल ऑन माई चैनल सेक्शन, तो वहाँ से जाके देख ले सकते हैं आप लोग।
सो गाइस नेक्स्ट हमारे पास है ये 12 लाख का पियानो व्हिच इज क्रेजी। ये भी जो है 20 टेनर का ही है और इसकी क्वालिटी का मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। फिलहाल हम लोग अपन लोग सुनते थे, अपन लोग देखते थे हॉलीवुड मूवीज, बॉलीवुड मूवीज और टॉलीवुड मूवीज में भी देखे अपन के एक पियानो जो है ऑटोमेटिकली प्ले होता, ये वही पियानो है जो ऑटोमेटिकली प्ले होता और आपको इसके लिए किसी के फिंगर्स की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप कैसे देख सकते हैं नीचे बोले तो नीचे एक मिरर है, वो मिरर के अंदर जो है एक मशीन है, आप मिरर के थ्रू देख सकते हो मशीन, क्योंकि कस्टमर ये जो पियानो लेता है उन्हें झुकना नहीं चाहता तो वो लोग नीचे मिरर रखे और वो मिरर के थ्रू आप देख सकते हैं कि अंदर क्या लगे हुआ है और आप सीडी वगैरह वगैरह प्ले करने का तो प्ले कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज प्लेड बाय एआर रहमान, राइट मयूर भाई? या दिस इज व्हाट इज प्लेड बाय एआर रहमान और आप वहां से भी अगर देखना चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं कि क्या टाइप का रहेगा पियानो। It looks insane from every corner that you see. It is insane actually. मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा दिखा मेरे को तो। And so जब हम ये करते you can see everything that is happening right here. अभी अपन इसको भी close करेंगे और यहाँ पर ये भी notebook रखने का section है which is nice. यहाँ से इसको कैसा close करते देखो आप, आके इसको उठाए और बस ये डाल दिए। That is how it closes. And पीछे किचन में इसको थोड़ा। I'm afraid of using such expensive things. चलन भाई, इसका प्राइस क्या है? कॉन्गो का? 55,000 क्या रहता हूँ इसके अंदर? जो इसको बजाता है उसको एक्सपर्ट रहता। जो इसमें एक्सपर्ट रहता नहीं बोल सकता क्या रहता इसके अंदर। मेरे को तो अजीब दिख रहा है। यहाँ पे जो ये है ना, ये हमारे घर के बच्चे बजाते हैं और ये जो है छोटे छोटे खिलौने मिलते हैं इसे। यहाँ पे भी है दूसरा वाला रेनबो बच्चों के वास्ते। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ जो है फर्स्ट फ्लोर देखे, अभी सेकंड फ्लोर ये जगह का बाकी ये है। तो अभी हम सेकंड फ्लोर पे जाएंगे, सेकंड फ्लोर पे जाके फिर वो भी चेकआउट करेंगे। सेकेंड फ्लोर पे क्या रहने वाला है वो अपने को नहीं मालूम है। इससे पहले हम जूते उतारेंगे और जाके ऊपर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जो है पूरा आइटम देखेंगे, क्योंकि ऊपर चल रहा था सबका खाना, सबका खाना हो गया। अभी यहाँ पर हमने आपको ऊपर है जाना, जाके जो है चेकआउट करना है क्लासिकल म्यूजिक। ओके, तो अभी हम देखने जा रहे हैं क्लासिकल म्यूजिक पूरा जो यहाँ पर ऊपर है और अपनी हाइट थोड़ी लंबी है तो सर से छत पे लग रहा, अपनी भी हाइट लंबी है भाई, देखो आप छत लग रहा सर, क्या समझ रहे हैं आप। तो अभी हम ऊपर आ गए। ये पूरा वीनाज है, ये बुब्बिली है, ये तंजावर वीना। तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वीनाज रहते हैं। ओके, इसको टू पीस ओट्टू बोलते हैं, दो पीस में बनाते हैं इसको। ओके, तो इसका प्राइसिंग स्टार्ट होता है 38,000 में स्टार्ट होता है। 38,000 में स्टार्ट होता है। 38,000 से लेके क्या प्राइस तक अपने को ये अभी तो फिलहाल अमेरिकन स्टॉक है 50,000 तक है। और ज्यादा भी रहता है इसके अंदर, रिकॉर्डिंग वीनाज भी रहते हैं जो अपन ऑनलाइन बोल रहा हूँ मैं, अपन स्टेज परफॉर्मेंस रहता है ना वो भी रहते हैं वीनाज। तो इसके अंदर पिकअप्स रहते हैं, इधर लगाते हैं पिकअप्स, जो गिटार पे देखे ना वो पिकअप्स इधर आते हैं। ओके 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 ओके, जो आप स्टेज में भी परफॉर्म कर सकते हैं इसको। ये वीनाज और ये वाला पूरा हैंडक्राफ्ट है, हैंडक्राफ्टेड है। ये वाला देखो आप, पूरा हैंडक्राफ्ट और हैंडक्राफ्टेड पूरा, मतलब ये इतना वर्क टू डिटेल काम है इसका। और अगर एक भी अगर मिस हो गया अंदर उतर गया बोले तो फिर तो नया पीस बनाना, कंपलसरी नया पीस बनाना पड़ता है। इट इज अ वर्क ऑफ आर्ट। इसका प्राइस क्या है? इसका है 38,550। There is no replacement for this art, bro. There is no price that anyone can keep for this art. Actually. एक बार ये नीचे गिर गया बोले तो खत्म हो गया, उसका फिर से नया ही लेना पड़ेगा। ये क्या रहता है? ये अभी तो पहले पंपकिन रहता था ना, उससे पहले बनता था, अभी वो घड़ी घड़ी गिर जा रहा करके प्लास्टिक का बना दिए, पीवीसी।
तो ये हमारे कहने NS5A क्वालिटी स्पेशल हारमोनियम, और इससे जो बेटर क्वालिटी का है हारमोनियम वो यहाँ पर नीचे। इसका प्राइस क्या है? इसका आके 15,000 का है। ये 15,000 का है, तो ये वाला कितने हजार का है? ये 36,000। ये वाला जो है इट इज द बेस्ट इन द मार्केट जो यहाँ पर आप ले सकते हैं हैदराबाद में करंटली। स्केल चेंजर, स्केल चेंजर है एंड पॉल एंड को, ये नंबर वन कंपनी है। तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं गटम, और ये आठ है कि इसमें जो भी है मतलब अलग अलग स्केल्स पे अलग अलग आवाज आती है, अलग अलग टाइप के जो है साउंड आते हैं इसके अंदर, और ये जो है बहुत मेहनत से क्रिएट करते हैं, ये वर्क ऑफ आर्ट है, और आर्ट की हमेशा रिस्पेक्ट करना सीखो। एंड दिस ऑल्सो कॉस्ट अस अराउंड 5,000 विच इज अ गुड प्राइस फॉर द पर्सन हुज एक्चुअली मेकिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ। नेक्स्ट आप कमिंग टू दिस थिंग, ये है चाटी और ये है डग्गा। डग्गा ये है चाटी, इसको तबला बोलते हैं, इसी को तबला बोलते हैं, इसको तबला बोलते हैं, मगर इसको चाटी भी बोलते हैं ना, चाटी डग्गा। और यहाँ पर हमारे कहने ये क्या है मयूर भाई, इसका क्या बोले थे आप, बोलो मेरे को। इसको बोलते तानपुरा। ये है तानपुरा, ये तानपुरा जो है आप बिगिनर अगर है तो आप इस पे लगा के सुन, क्लासिकल सीख रहे हैं, क्लासिकल सीख रहे हैं, और अगर आप बिगिनर है तो आप इस पे बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट मेरे को मयूर भाई बोले, और मयूर भाई बोले तो बात उनकी सही रहती। ऑल्सो वन थिंग, फ्लूट जो है हम अभी तक चेकआउट नहीं करें, नीचे देखे भगवान। तो एक चीज हम चेकआउट नहीं करें वो है फ्लूट, और ये हमारे कहने फ्लूट आ चुका है। ये है साजिद हुसैन साहब का जो है बांसुरी मेकर, देख सकते हैं आप, साजिद हुसैन बांसुरी मेकर। मेरा नाम है साजिद हुसैन, मेरा काम है बांसुरी बजाना। चेतन भाई बताएंगे ये है कितने का और ये किस स्केल का? भाई ये 350 का है, इसके अंदर दो टाइप के फ्लूट्स आते हैं, एक स्ट्रेट आता है, ओके, ये आके साइड से है, देखो ये सब प्ले करना पड़ता है, किशन भगवान के साथ, या राइट, और एक आके स्ट्रेट रहता है, ओ वेस्टर्न टाइप, ये किशन भगवान का है, वेस्टर्न टाइप है, नहीं नहीं ये क्लासिकल है टोटली, ये ना ये क्लासिकल है, और जो दूसरा वाला था ऐसा स्ट्रेट रहता है वो वेस्टर्न है। So guys, अभी हम यहाँ पर ऊपर आए हुए हैं, ये जो है यामाहा का मेन शोरूम है जहाँ पर हमको गिटार से लेके हर चीज़ यामाहा की मिलती। तो अभी हम यहाँ पर चेकआउट करके ड्रम्स व्रम्स सब जो भी है देखेंगे, देख के अपन यहाँ से वीडियो कंटिन्यू करेंगे, और आप लोग देख सकते हैं क्वालिटी प्राइसिंग सब जो है यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, कॉन्टैक्ट देम राइट अवे। और अगर मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो अच्छी दिखी तो लाइक करो। हियर वी आर विद ममता मैम एंड शी मैनेजेस द होल स्टोर हियर, मतलब जो भी यहाँ पे स्टोर है शी मैनेजेस देम। तो आप अभी बोलिए कि आपकी मतलब हिस्ट्री कैसा है, दिमाग में कैसा है, और ये करें कैसा आप लोग? एक्चुअली हमारा ये जो स्टोर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर स्टोर्स, एंड एक छोटा सा एक दो मिनट का हिस्ट्री में बोलना चाहूँगी कि ताकि सबको पता चले कि कैसे शुरू हुआ एंड क्या हुआ। ये एक्चुअली हमारा फैमिली बिजनेस है, दिस वॉज इनहेरिटेड बाई माई फादर फ्रॉम हिज फादर, सो माई ग्रैंड फादर वॉज एन अकाउंटेंट इन दिस म्यूजिकल्स कंपनी, एंड दिस म्यूजिकल वॉज ओन्ड बाई अ फ्रेंच लेडी, Portuguese lady. So she was running here before the independence, and he was just working as an accountant, right? So after independence, they all had to move back to their country. So they were in the dilemma what to do with this huge business which they were doing, and they just spoke with my grandfather, and my grandfather accepted this business for a very small amount. So once he came into the business, he started expanding it. And after his demise, my father took. No, मतलब यहाँ पर ये यामाहा का मेन है आपका, और आपका अवेलेबिलिटी क्या क्या चीजों की रहती है यहाँ पर? यामाहा की सारी A to Z चीजें हमारे पास अवेलेबल है, म्यूजिक, यस म्यूजिक रिलेटेड एवरीथिंग इज अवेलेबल, यामाहा रहने दो या कोई भी ब्रांड रहने दो, जो भी रिलेटेड विद म्यूजिक है वो जस्ट आप पूछोगे और हमारे पास मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे पास नहीं मिलता है, फ्रॉम पिक टू पियानो, ओके, पिक इज अ वेरी स्मॉल थिंग which a guitarist uses, I think you must be aware. Yeah. And piano is of course which you had shot earlier in the morning. Yes, the biggest thing. From pick to piano, everything we have. Not only we sell music, but we impart education plus
we upgrade the students, we ask them to give examinations because we are associated with Trinity College of Music, London. That's nice. So, ma'am, how many of your branches are? हमारे ब्रांचेस एक्चुअली हमारा हेड ऑफिस चेन्नई है okay. एक हैदराबाद में है और पांडिचेरी दो ब्रांचेस हैं हमारे सो okay. आपके फैमिली मेंबर्स ही उनको हैंडल करते हैं जी जी Not हमारे फैमिली मेंबर्स ही हैंडल करते हैं मेरे फादर अभी तो मेरे फादर अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे हैं लेकिन वहाँ पे मेरे दो भाई चलाते हैं और यहाँ पे मैं और मेरी बहन हम दोनों देख लेते हैं I hope you all like this video. Be the change, be indomitable. Bye bye, take care. See you for the next video tomorrow. Thank you. Bye.